ओके, तो कल का पॉइंट था ये क्वेश्चन, आप इसको करिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब सब हो गया था कल का। आज हमको स्टार्ट करना है यहाँ से, हार्ट हार्ट बीट। तो हार्ट बीट, ये द पंपिंग ऑफ ब्लड इज द मोस्ट वाइटल फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड दिस पंपिंग एक्शन रिजल्ट इनटू हार्ट बीट। पेज में आप अच्छे से देखेंगे, आपके बुक में भी है, यश चांद में भी, हार्ट बीट जो भी लेके बैठे होंगे अच्छे से समझिए। हार्ट बीट कंटिन्यूसली थ्रो आउट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। हम देखते हैं अपने हार्ट पे हैंड को रख करके, या अपने जो ये रिस्ट है कलाई, उस पे दो फिंगर से ऐसे पकड़ते हैं तो देखते हैं कि धुक 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 करता रहता है, या डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है तो उसमें धक 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 धक। तो कॉन्टिन्यूसली जब तक हमारी लाइफ चलती है, चूँकि हार्ट कॉन्टिन्यूसली अपना वर्क करता रहता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, और हार्ट बीट भी उसी पर डिपेंड है, डायस्टोल और सिस्टोल। आगे देखिए पॉइंट दिया गया है, द कंट्रैक्शन ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। जो संकुचन होता है, जब ब्लड, बताया था हमने कि भर गया वेंट्रिकल में, भर गया और वो फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच गया और फिर रिलैक्स करेगा। ऐसे ही पल्मोनरी वेन से जब आपका लेफ्ट आर्टरी या आर्ट्रियम जो है फुल हो गया, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब उसमें से ब्लड जो है बाई कस्बिड वाल के थ्रू आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब संकुचित होगा, दबेगा, तो उसमें से ब्लड पुश होकर के एओर्टा में चला जाएगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन, एंड द रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। जब रिलैक्स कंडीशन में आ जाता, नॉर्मल कंडीशन में, उसको हम डायस्टोल बोलते हैं, ठीक ना। तो सिस्टोल एंड डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन डायस्टोल, ये पॉइंट था आपका। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीटेशन ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। और ये जो सीक्वेंस होता है, जो कंप्लीट होता है हार्ट बीट, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के पूरा होने को हम एक हार्ट बीट बोलते हैं, और ये हमारा कार्डियक साइकिल कहलाता है। वी नो दैट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड इनटू आवर आर्टरीज एंड रिलैक्स टू फिल द हार्ट विद द ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। बताया था भी ना, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तो उससे ब्लड हमारा एओर्टा से आर्टरीज में चला जाता है, और फिर रिलैक्सिंग में आएगा तो पुनः हमारा जो है पल्मोनरी वेन से जो है ये आर्टरीज में, आर्टरियम में ब्लड आ गया रिलैक्सेशन में। हार्ट बिगन अगेन एंड अगेन पंप द ब्लड इनटू द बॉडी कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं, क्योंकि ये लगातार होता रहता है। तो 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन का, एडल्ट पर्सन का 72 टाइम्स होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हार्ट बीट थोड़ा कम होती जाती है, बच्चों में हार्ट बीट और ज़्यादा होती है, 100 120, मतलब 100 से अधिक। दस वी कैन डिफाइन हार्ट बीट एज, तो यहाँ पे डिफिनीशन अच्छे से दी गई है, ये पॉइंट पूरा देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट दैट रिजल्ट इन पंपिंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, पॉइंट्स ले लीजिए। अगला है यहाँ पे पॉइंट आपका, यूजुअली द हार्ट बीट्स अबाउट 70 से 72 टाइम्स इन अ मिनट, मीन्स 5 मिनट में नियर अबाउट 6 टाइम, 5 मिनट कह रहे हैं, मतलब 1 मिनट में 72, तो 5 सेकेंड में जो है नियर अबाउट 6 टाइम।
द नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्साइटमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। जब हम उत्तेजना में होते हैं, जब हम शारीरिक वर्क करते हैं, सांस तेज चलने लगती है तो उस समय हार्ट बीट बढ़ जाती है, चूँकि पंपिंग रेट बढ़ जाता है। डॉक्टर कॉल लिसन टू आवर हार्ट बीट्स बाय यूजिंग एन ऑपरेटस कॉल्ड स्टेथोस्कोप आला। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड डायस्टोल एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल। मतलब जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होगा तो एक्सपेंड करेगा, और जब सिकुड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द फिजिकल नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज ड्यूरिंग एक्साइटमेंट फिजिकल एक्सरसाइज। लो पिचेस साउंड ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड लव। ध्यान दीजिए, हार्ट में टू तरह की साउंड सुनाई पड़ती है, लब डब। तो जब लो पिचेस साउंड, साउंड की तीव्रता कम होती है, और एक लॉन्ग शॉर्टर ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी बीप सुनाई देती है और कम, तो उसको हम बोलते हैं लब। और जब पिचेस हाई होती है और वो शॉर्टर ड्यूरेशन कम समय के लिए होती है वो साउंड, तो उसको बोलते हैं डब। द साउंड लब इज प्रोड्यूस व्हेन आर्कियो वेंट्रिकुलर वाल्व AVV आर्यो या आर्क्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व मींस जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा है, बाइकस्पिड वाल्व या उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं, एंड राइट में वेंट्रिकल ऑरिकल के बीच में उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, क्लोज्ड। एंड द साउंड डब मतलब लब जब साउंड होती है, जब इम्प्योर ब्लड जो है राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, तो आने के बाद वो क्या होता है, कस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, और उधर प्योर ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, तो उस समय हमको लब साउंड सुनाई पड़ती है। इसकी पिचेस कम होती है, लंबा ड्यूरेशन, और जब ये ओपन होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड आर क्लोज एंड साउंड डब इज प्रोड्यूस व्हेन सेमी लूनर वाल्व या एरेटिक एंड पल्मोनरी वाल्व आर क्लोज। मतलब जब सेमी लूनर वाल्व और मतलब एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व बंद होते हैं, तब हमको डब की साउंड सुनाई पड़ती है। तो लब और डब दो तरह की साउंड है, इसको समझ में आ गया होगा कि लब क्या है, लो पिचेस लॉन्ग ड्यूरेशन साउंड, और जब ट्राई और बाइक स्पीड वाल्व बंद होते तब सुनाई देता है। डब जो है हाई पिचेस शॉर्ट ड्यूरेशन, जब सेमी लूनर वाल्व और मीन्स एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होते हैं। कल के डायग्राम में हमने बताया था सेमी लूनर वाल्व मतलब जब पल्मोनरी आर्टरी वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में इंप्योर ब्लड जाता है, सेमी लूनर वाल्व वहां लगा है, और जब यहां वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जो है आर्टरी में पहुंचता है तो वहां पे वाल्व लगा है, तो ये दोनों जब बंद होते हैं। विद एवरी हार्ट बीट द ब्लड फोर्सेस इटसेल्फ इनटू आर्टरीज एंड आर्टरीज एक्सपैंड। The process of each time when the blood pours into it, और इसी को हम पल्स कहते हैं, it is called pulse. The rate of pulse of a person is equal to the number of heart beat per minute. तो जितना एक मिनट में हार्ट बीट होती है 70 से 72, वही लगभग पल्स रेट भी होती है पर मिनट। द हार्ट बीट इतना एंड रेस्टिंग मेनी में इंक्रीज ड्यूरिंग एक्साइटेशन, और फिजिकल बताया था बढ़ जाएगा उस समय हार्ट बीट या पल्स रेट। बी कैन फील दैट, या आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट जो बता रहे हैं इसको, एक एक चीजें आप कॉपी पेन लेके भी बैठा करें। बी कैन फील द हार्ट बीट बाई कीपिंग आवर हैंड ऑन द चेस्ट जस्ट अबव द हार्ट रिंग। वही चेस्ट पे जैसे आप फिगर में दिखाया गया है, हैंड को रखा है उसने अपने चेस्ट के पास, और यहाँ पे रिस्ट को दो फिंगर से, आवर बॉडी सच एज रिस्ट, नेक अपने गर्दन पर,
एंड प्रेसिंग द आर्टरी लाइटली विद आवर फिंगर टिप। अगला हेडिंग हम लोगों का है ब्लड प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ऑरिकल के वाल पर जो ब्लड के द्वारा दबाव बनता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज मेजर्ड। अगला पेज आपको मैं भेज दूं। ये कह रहा है इट इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आप देखते होंगे डॉक्टर के पास होता है स्फिग्नोमीटर, उसको कहते हैं। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड। तो मतलब सिस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल, तो सिस्टोल के समय प्रेशर हाई होता है, मैक्सिमम होता है, और उसको हम 120 मानते हैं, 120 नॉर्मल, तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोल के समय प्रेशर जो है मिनिमम होता है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, उसको 80 माना जाता है, तो 120 80। और ये मरकरी जो होता है पारा, उसी के उसमें लिया जाता है। यहाँ पे है 10 द वैल्यू ऑफ डायस्टोल प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन द सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर डायस्टोल से हमेशा ज्यादा होता है, डायस्टोल हमेशा सिस्टोल से कम होता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पर hg एंड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज सिस्टोलिक प्रेशर इतना, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm hg। दस इट इज रिटेन 120/80 mmHg। हाउएवर द, ये दिया गया है। फिलहाल आज के दौर में आज की जो दिनचर्या हम लोगों की, उसमें ये रेशियो बढ़ चुका है। 80 की जगह हम 90 भी नॉर्मल मानते हैं और 120 की जगह 130-140 तक भी, विद द एजेस के अनुसार ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर आप अच्छी तरह जानते हैं। व्हेन द ब्लड प्रेशर वैल्यू इज मोर देन 150 और 90, इट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। कहते नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका ड्यू टू एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड। When the blood pressure wall is less than 110 or 70, अगर 110 हो गया हाई वाला 120 की जगह और 90 जो है 80 जो है वो 70 हो गया, तो इसको हम लो प्रेशर बोलते हैं, या ब्लड जो है क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स ज्यादा। 20 Shall now discuss how sphygmomanometer is used to measure the blood pressure. In order to measure blood pressure, we need to take two reading, namely systolic pressure and diastolic. जब नापते हैं तो डॉक्टर क्या लेते हैं? देखिए आप पहले उसमें क्या होता है? एक पंप रबड़ का होता है जिसमें हवा भरते हैं। आर्म में इसको बांध दिया जाता है राइट या लेफ्ट आर्म में, और उसके बाद स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं डॉक्टर, हवा भरते हैं खूब, उसके बाद छोड़ते हैं, तो उसमें बीप सुनाई देती है और वही बीप से पता चलता है कि हाई और लो कितना है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पंपिंग द ब्लड। Similarly, diastolic pressure can be measured when the heart is relaxed to fill in the blood. The following steps are done to measure the blood pressure of a person using sphygmomanometer. Number A,
द इंस्ट्रूमेंट हैज द फ्लैट रबर। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया कैसे कैसे होता है, इसको आप अच्छी तरह डायग्राम में देख रहे हैं और नॉर्मली देखे होंगे आप लोग। प्रेशर 200 mmHg टू द आर्टरी व्हिच कैन बी नोटेड ऑन द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ अ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ऑन द आर्टरी टू ऑफ द आर्म नो साउंड विल बी हर्ड थ्रू इट। कह रहा ना रबर कफ इज इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, उसको हवा से बिल्कुल पंप करते हैं और फुलाते हैं। एयर टू गिव प्रेशर लगभग 200 मिलीमीटर पहुंच जाता है आर्टरी में। कैन बी नोटेड द स्केल, और उस समय स्केल हम चेक करते हैं और उस समय हमको कोई साउंड नहीं सुनाई देती है। फिर क्या करते हैं, नाउ रिड्यूस द कप, अब उसको हवा को डाउन करते छोड़ते हैं ग्रेजुअली बाय डिफ्लेटिंग द कप एंड कीपिंग स्टेथोस्कोप स्टिल ऑन द आर्टरी, और फिर स्टेथोस्कोप को आराम से उस पर रखते हैं और छोड़ देते हैं। व्हेन वी हियर अ सॉफ्ट टैपिंग साउंड, और जब हमको साउंड सुनाई पड़ता है तब हम वही नोट कर लेते हैं, वही सिस्टोलिक प्रेशर है। अभी बताया था हमने ना कि जो लव है उसकी पिच कम होती है और लंबी बीप सुनाई देती है। और फिर व्हेन द कप प्रेशर रिड्यूस फर्दर द टाइपिंग साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप डिसअपीयर एंड गिव अस द डायस्टोलिक प्रेशर। अब जो प्रेशर उसको और नीचे करते हैं और देखते हैं कि हमको साउंड नहीं सुनाई दे रही है। अब आपका आ गया लिम्फैटिक सिस्टम। इट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। अभी हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा ब्लड, और फिर इधर आपका लिम्फ। लिक्विड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। द लिम्फैटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, लिम्फ, लिम्फ नोड।